पिछले वीडियो में हमने सीखा था कि SBI इंटरनेट बैंकिंग पे कैसे हमें रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे लॉगिन करना है। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि उस इंटरनेट बैंकिंग का यूज करके हम अपने SBI जो इंटरनेट बैंकिंग बनाए हैं उस इंटरनेट बैंकिंग से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को कैसे ट्रांसफर किया जाता है, ये चीज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंशु और स्वागत करता हूं आपका अंशु डिजिटल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। अपने SBI बैंक अकाउंट से किसी दूसरे व्यक्ति के बैंक अकाउंट में भेजने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल से या फिर कंप्यूटर से गूगल क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। यहां सर्च में आपको टाइप करना है SBI ऑनलाइन, उसके बाद इंटर कर देना है। आपके सामने पहला ही लिंक मिल जाएगा लॉगिन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा लॉगिन करने के लिए। यहां पर आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक करना है और यहां पर आपको जो है अपना यूजर नेम टाइप करना है और उसके बाद पासवर्ड टाइप करना है और उसके बाद जो ये नीचे कैप्चा लिखा हुआ है ये कैप्चा यहां पर टाइप करके और लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, OTP टाइप करके सबमिट कर देंगे। फ्रेंड्स, जब जब आप लॉगिन करेंगे SBI नेट बैंकिंग में तब तब जो है आपके मोबाइल नंबर पे OTP भेजा जाता है। ये जो है चेक किया जाता है कि जिसका नेट बैंकिंग है वही व्यक्ति यूज कर रहा है ना, उसके लिए ये फ्रेंड्स जो है ये लॉगिन सेकेंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। ये OTP के माध्यम से ऑथेंटिकेट किया जाता है कि आपका जो नेट बैंकिंग है वो दूसरा कोई यूज नहीं कर पाए। मान लीजिए फ्रेंड्स, आपका यूजर आईडी पासवर्ड कोई व्यक्ति जान गया, अगर वो लॉगिन करना चाहे तो वो लॉगिन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो लॉगिन करेगा तो आपके मोबाइल नंबर पे ही OTP आएगा। जब तक OTP यहां टाइप करके सबमिट नहीं करेंगे तब तक जो है लॉगिन नहीं होगा। फ्रेंड्स, यहां पर आपको OTP टाइप करके और सबमिट पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपको जो है कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपका नाम भी लिखा रहता है और यहाँ पे आपका ईमेल आईडी अपडेट कर दिए होंगे तो आपका ईमेल आईडी भी लिखा होगा। नीचे आपका अकाउंट नंबर, ब्रांच और यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस क्लिक करेंगे इस पे तो आपका बैलेंस यहाँ पे शो हो जाएगा। और यहाँ क्लिक करेंगे तो आपका 10 ट्रांजेक्शन जो है लास्ट का 10 ट्रांजेक्शन नीचे बता देगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं माई अकाउंट्स एंड प्रोफाइल, में बहुत सारा यहां पे ऑप्शन दिया गया है। यहां पेमेंट्स एंड ट्रांसफर में बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है, बिल पेमेंट्स लिखा हुआ है, डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, ई टैक्स, ई सर्विस, रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरीज, यूजफुल लिंक, यहां पे बहुत सारा यहां पे ऑप्शन दिया गया है। ऐसे इन सबका यूज मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले हम इस वीडियो में जानेंगे कि किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कैसे किया जाता है। यहाँ नीचे भी लिंक दिया गया है क्विक लिंक्स में, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है अकाउंट स्टेटमेंट, प्रोफाइल, ई स्टेटमेंट, पेंडिंग स्टेटमेंट, इस तरीके से बहुत सारा लिंक दिया गया है। तो फ्रेंड्स, आपको इस SBI इंटरनेट बैंकिंग से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करना हो, जैसे कि दूसरा जो व्यक्ति है जिसको पैसा ट्रांसफ़र करना है उसका कोई भी बैंक हो सकता है, जैसे मान लीजिए HDFC बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, या फिर ICICI बैंक हो, इंडियन बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, कोई भी बैंक हो, आप किसी भी बैंक में किसी भी बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो पैसे ट्रांसफर करने के लिए ऊपर यहां पर पेमेंट एंड ट्रांसफर लिखा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है या फिर माउस केवल लेके जाएंगे इस पे तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा। देख सकते हैं बहुत सारा इसमें ऑप्शन आ रहा है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको जो है IMPS यहाँ पे लिखा गया है और यहाँ पर अदर बैंक ट्रांसफ़र भी लिखा गया है। आप यहाँ पर जो है यहाँ लिखा हुआ है क्विक ट्रांसफ़र विदाउट एडिंग बेनिफिशरी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्विक ट्रांसफ़र का मतलब होता है तुरंत ट्रांसफ़र करना है बिना किसी बेनिफिशरी को ऐड किए हुए। फ्रेंड्स, बेनिफिशरी क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, पहले हमें जो है किसी व्यक्ति को जो है ट्रांसफ़र करना है पैसा किसी दूसरे अकाउंट में, तो हम यहां पे क्विक ट्रांसफर विदाउट एडिंग बेनिफिशियरी पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने जो है कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। यहां पर आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है,
फ्रेंड्स ऊपर की तरफ आपका अकाउंट नंबर, आपका ब्रांच और लास्ट में बैलेंस शो हो रहा होगा कि आपके अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो फ्रेंड्स आपको दूसरे बैंक अकाउंट में भेजना है तो सबसे पहले तो यहाँ पेमेंट ऑप्शन में विद इन जो SBI है इसको अदर बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही देख सकते हैं यहाँ पे IFSC कोड भी मांगने लगा। विद इन SBI था तो यहाँ पर जो है IFSC कोड नहीं मांग रहा था। तो अदर बैंक में अगर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें IFSC कोड मैंडेटरी है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं शुरू से यहां पर जो है बेनिफिशियरी नेम टाइप करना है। फ्रेंड्स जिस अकाउंट में आपको भेजना है उनका नाम टाइप करना है, उनके खाते का नाम टाइप करना है, जिसके नाम से खाता है उसका नाम टाइप करना है। उसके बाद बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, उनका अकाउंट नंबर टाइप करना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पर री इंटर बेनिफिशियरी अकाउंट नंबर, दोबारा से उनका अकाउंट नंबर टाइप करना है। उसके बाद यहां पर पेमेंट ऑप्शन आपको अदर बैंक ट्रांसफर सेलेक्ट कर लेना है और यहां पे जिसके पास हम भेज रहे हैं पैसा उनका IFSC कोड डालना है, मतलब उनके बैंक का IFSC कोड डालना है। उसके बाद यहां पे सेलेक्ट ट्रांसफर मोड, यहां पर क्लिक करके आपको IMPS सेलेक्ट करना है। IMPS सेलेक्ट करेंगे IMPS से पैसा जो है तुरंत चला जाता है। NEFT अगर सेलेक्ट करेंगे तो थोड़ा सा डिले होता है पेमेंट जाने में, लेकिन IMPS जो है तुरंत पैसा जो है उस अकाउंट में चला जाएगा। तो IMPS सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट, जितना अमाउंट जो है आपको उस व्यक्ति को भेजना है उतना अमाउंट यहाँ पर आप टाइप कर देंगे, जितना अमाउंट आपको भेजना है। उसके बाद पर्पस यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, मतलब किस उद्देश्य से इस व्यक्ति को आप पैसे भेज रहे हैं। तो यहाँ पर आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, पेमेंट टुवर्ड्स लोन रिपेमेंट यहां पे लिखा हुआ है, डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट गिफ्ट यहां पे डोनेशन लिखा हुआ है, और यहां पर पेमेंट ऑफ एजुकेशन फी लिखा हुआ है, रेंट लिखा हुआ है, अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर अगर सेलेक्ट करेंगे तो यहां पे कुछ भी आप अपने से टाइप कर सकते हैं, और टाइप करने के बाद आपको आई एक्सेप्ट पे क्लिक करके और सबमिट के बटन पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं वेरीफाई डिटेल्स एंड कंफर्म दिस ट्रांजेक्शन, यानी इसको वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर बेनिफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड और यहाँ अमाउंट जो आपने टाइप किया था वो अमाउंट यहाँ पर लिखा होगा, और यहाँ जो आप पर्पस दिए थे वो पर्पस भी लिखा होगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से ध्यान से अकाउंट नंबर, IFSC कोड और नाम को मिला लेंगे, कुछ भी यहाँ पर गलत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने सारा डिटेल्स चेक कर लिया है, सब कुछ सही है। अगर सब कुछ सही लगता है आपको तो उसके बाद कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। कंफर्म पे क्लिक करते ही आपके सामने जो है एक और इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे OTP गया होगा, OTP यहाँ टाइप करके कंफर्म पे क्लिक कर देंगे। फॉर्म पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांजेक्शन रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, यहाँ पर कौन से अकाउंट से पैसे कटे हैं उस अकाउंट नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, अकाउंट किस टाइप का है उसका ब्रांच और कितना अमाउंट आपने भेजा है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट करके जरूर रख लेंगे फ्यूचर रेफरेंस के लिए। ऐसे आप कन्फर्म कर लेंगे कि जिस व्यक्ति को आपने पैसे ट्रांसफर किया है वो पैसे उस अकाउंट में चला गया है। सो फ्रेंड्स इस तरीके से आप जो है किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में क्विक ट्रांसफर तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे को। फ्रेंड्स एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि अगर आप जो है क्विक ट्रांसफर कर रहे हैं इस तरीके से किसी भी बैंक में आप पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं लिखा हुआ है क्विक फंड पर ट्रांजेक्शन 25,000। यहाँ पे लिखा गया है कि प्लीज नोट दैट द मैक्सिमम अमाउंट शुड बी एक्सीडेड दैट लिमिट 25,000 फॉर द डे, मतलब एक दिन में आप किसी भी व्यक्ति के पास जो है क्विक ट्रांसफर से 25,000 तक ही भेज सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर आप 25,000 से ज्यादा किसी व्यक्ति को भेजना होगा तब क्या करेंगे, तो उस स्थिति में जो है उस व्यक्ति को बेनिफिशियरी ऐड करना पड़ेगा, तब जाके आप 25,000 से ज्यादा भी उस व्यक्ति को भेज सकते हैं। वो फ्रेंड्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं, पहले ये आप समझ लीजिए अच्छे से। इसके बाद एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे मान लीजिए आप उस व्यक्ति को जो है पैसा भेज दिए, भेजने के बाद अगर आप किसी कारणवश से उसका स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए हैं तो आप जो है इसी में आप अपने होम पेज पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको माई अकाउंट एंड प्रोफाइल के बटन पे यहाँ पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, आपको देखने को कुछ इस तरीके से मिलेगा।
यहाँ पर आपको अकाउंट समरी पे क्लिक करना है। अकाउंट समरी पे जैसे ही क्लिक करेंगे, अकाउंट समरी कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर, ब्रांच, अवेलेबल बैलेंस देख सकते हैं, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन में क्लिक हियर फॉर लास्ट 10 ट्रांजेक्शन लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपने जो भी ट्रांजेक्शन किया है 10 ट्रांजेक्शन लास्ट का, वो यहाँ पर शो हो जाएगा। आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आप अपने सभी ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, चाहे आपके बैंक अकाउंट में पैसा आया हो या फिर आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटा हो, वो सारा जानकारी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कौन से डेट को आपने जो है कहाँ पर ट्रांसफ़र किया है या फिर जो है पैसा आया है। यहाँ पर जैसे कि अभी हमने पैसे ट्रांसफ़र किया है, अभी हमारे बैंक अकाउंट से इतना बैलेंस कटा हुआ है, उसका रेफरेंस नंबर यहाँ आप देख सकते हैं और उसका यहां पर यूटीआर नंबर भी है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने इस SBI इंटरनेट बैंकिंग की मदद से आप किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ट्रांसफर करने के बाद आपको जो है इस जो डैशबोर्ड है, ये SBI का जो डैशबोर्ड है, इससे आपको लॉग आउट होना है। फ्रेंड्स, डायरेक्ट क्लोज नहीं करना है आपको, जो है यहाँ पर लॉग आउट का बटन दिया गया है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। लॉग आउट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, आप सक्सेसफुल इस वेबसाइट से जो है लॉग आउट हो जाएंगे। यहाँ पर आप नेक्स्ट कर देंगे या फिर सबमिट कर देंगे, यहां पर देख सकते हैं लिखा हुआ है यू हैव सक्सेसफुली लॉग्ड आउट ऑफ, यहां पे लिखा हुआ है ऑनलाइन SBI। आप जो है ऑनलाइन SBI से सक्सेसफुल लॉग आउट हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लॉग आउट जरूर कर लेंगे। लॉग आउट करने के बाद आप चाहें तो दोबारा से भी लॉग इन कर सकते हैं, सेम प्रोसेस है। तो इस तरीके से आप अपने इंटरनेट बैंकिंग की मदद से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे को इंस्टेंट भेज सकते हैं, और उस भेजे हुए पैसे को आप देख भी सकते हैं कि ये पैसा जो है गया है तो उसका रेफरेंस नंबर क्या है, यूटीआर नंबर क्या है, कौन से डेट को भेजे हैं, कितना अमाउंट भेजे हैं, सारा जानकारी भी आप देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।